प्रेसिडेंस सबसे ज़्यादा होती है इस ब्रैकेट की, और पोस्टफिक्स प्लस प्लस या माइनस माइनस। इसे जानते हैं पोस्टफिक्स प्रीफिक्स क्या होता है? जैसे मान लो ए प्लस प्लस लिखा तो ये पोस्टफिक्स है, आई प्लस प्लस माइनस माइनस लिखा ये पोस्टफिक्स है, बाद में लग रहे हैं ये पोस्ट, ठीक है। प्रीफिक्स क्या होता है? प्लस प्लस ए ये पहले लग रहे हैं प्रीफिक्स, माइनस माइनस आई ये प्रीफिक्स है, ठीक है। तो ये जो पोस्टफिक्स है, या फिर कोई मैंने ब्रैकेट में लिख दिया 7 प्लस 2, तो इनकी सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंस ये 1 पे आते हैं, और जो सॉल्व होने का तरीका है वो लेफ्ट टू राइट है, ठीक है। अब दूसरा आता है प्लस प्लस माइनस माइनस प्रीफिक्स, या फिर टिल या फिर नेगेशन। इसकी प्रायोरिटी 2 होती है, ये होता है राइट टू लेफ्ट सॉल्व करने का तरीका। इसके बाद में आता है मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, मॉडुलस, इनकी प्रेसिडेंस 3 है और लेफ्ट टू राइट होता है। फिर प्लस माइनस, इनकी प्रेसिडेंस 4 है, ये भी लेफ्ट टू राइट होता है। फिर आता है बिटवाइज ऑपरेटर, इसकी प्रेसिडेंस 5 है, ये भी लेफ्ट टू राइट है। इसके बाद में आता है, अब बहुत सारे बाद में आते हैं लेकिन उनकी ज़रूरत नहीं है। फिर आता है असाइनमेंट ऑपरेटर, इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू, मॉडुलस इक्वल टू, इसकी 14 होती है वैसे, और ये भी राइट टू लेफ्ट काम करता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जब मेरे प्रोग्राम में मान लो प्लस प्लस कोई आ रहा है, तो मैं उसे लेफ्ट टू राइट, मतलब यहाँ से शुरू करूँगा यहाँ की ओर, और राइट टू लेफ्ट मतलब यहाँ से सॉल्व करूँगा यहाँ की ओर,